हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत कुमार सिंह वेलकम यू ऑल टू रोड टू सक्सेस आईएएस पीसीएस प्रिपरेशन। हम लोग की इंडस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आर शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी से कवर अप कर रहे हैं। आज जो हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है लाइफ इन गुप्ता एज। इस पर्टिकुलर टॉपिक के इनिशियल तीन पार्ट हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं। चलिए चालू करते हैं पार्ट नंबर फोर के साथ, जो कि इस टॉपिक का आखिरी पार्ट भी होगा। इससे पहले जानते हैं कि इनिशियल तीन पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर अप किया था। हमने जाना था कि गुप्ता एज के दौरान क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, किस तरीके से क्या ट्रेंड थे आपके एग्रीकल्चर और ट्रेड को लेके गुप्ता एम्पायर के अंदर। हम लोगों ने क्या सोशल डेवलपमेंट हुए गुप्ता एरा में उनके बारे में भी जाना। इसके अलावा हम लोगों ने जाना बुद्धिज़्म और भागवत रिलीजन की क्या कंडीशन थी आपकी गुप्ता एम्पायर के अंदर। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आर्ट इन गुप्ता पीरियड। अब हम लोग जानेंगे क्या कंडीशन थी आर्ट्स की गुप्ता पीरियड के दौरान। जो गुप्ता एज है हमारी, इसे एक और नाम से जाना जाता है, गोल्डन एज के नाम से। अब इसे गोल्डन एज इसलिए नहीं कहा जाता कि गुप्ता काल के दौरान सबसे ज़्यादा गोल्ड के सिक्के इशू हुए थे। इसे गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड के दौरान काफ़ी सारे अचीवमेंट अटेन किए गए थे आपके लिटरेचर, साइंस और आर्ट की फील्ड के अंदर। गुप्ता काल के दौरान जो किंग हुआ करते थे और रिच पीपल हुआ करते थे, काफ़ी व्यापक स्तर पर पैट्रोनेज प्रोवाइड कराया करते थे आपके आर्टिस्ट को। अब जब किंग्स की बात हो रही है तो इसमें मुख्य किंग हैं आपके समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू। इन्होंने काफ़ी व्यापक स्तर पर पैट्रोनेज प्रोवाइड कराई थी आर्ट और लिटरेचर की फील्ड के अंदर। समुद्रगुप्त के द्वारा जो कॉइन इशू किए गए थे उनके अंदर उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, वीणा बजाते हुए पोर्ट्रे किया गया है। वहीं जो राजा चंद्रगुप्त टू थे उनके कोर्ट के अंदर नौरत्न हुआ करते थे, जो कि उनके कोर्ट को सुसज्जित किया करते थे, अडॉन किया करते थे। इन नौरत्नों के बारे में हमने अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर पूरी डिटेल में जाना है, साथ ही साथ जाना है कि ये किस किस फील्ड से बिलोंग किया करते थे और क्या क्या इनका लिटरेरी वर्क था। इसके अलावा जो एंशंट इंडिया का उस समय का आर्ट वर्क था गुप्ता एज का, वो बेसिकली आपका रिलीजन से इंस्पायर्ड था। कुछ ही आपको आर्ट वर्क मिलेंगे जो आज के डेट में सर्वाइव करते हैं, जो कि नॉन रिलीजियस पीसेस हैं, यानी कि जो नॉन रिलीजियस पीसेस हैं। अब बुद्धिज़्म जो है एज अ रिलीजन, उसने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था आर्ट को आपकी मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न टाइम के दौरान। ये जो आर्ट वर्क हुआ करता था उसके अंदर मेनली इंक्लूड हुआ करता था आपके मैसिव पिलर्स, केव्स और स्टूपास। साथ ही साथ काफ़ी व्यापक स्तर पे इमेजेस बनाई गई थी गौतम बुद्धा की इस काल के दौरान। इसमें से जो मुख्य इमेज है, जो कि गुप्ता पीरियड के अंदर हमें खुदाई के दौरान, एक्सकोवेशन के दौरान मिली है, उसमें आती है आपकी 2 मीटर ऊंची ब्रॉन्ज का स्टैचू आपका गौतम बुद्धा का। ये जो ब्रॉन्ज का स्टैचू है ये पाया गया है सुल्तानगंज भागलपुर बिहार से। अब फायान जो है, जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने अपने ट्रैवल लॉग के अंदर जो बताया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 25 मीटर ऊंची गौतम बुद्धा की इमेज देखी थी, पर अभी तक किसी भी एक्सकवेशन से ऐसी कोई भी इमेज 25 मीटर ऊंची नहीं पाई गई है। अब गुप्ता पीरियड के दौरान काफ़ी सारी गौतम बुद्धा की ब्यूटीफुल इमेजेस बनाई गई थी। इन ब्यूटीफुल इमेजेस बनाने के जो मेजर 2 सेंटर हुआ करते थे, उसके अंदर पहला सेंटर था सारनाथ, जो कि वाराणसी में पड़ता है, वहीं दूसरा सेंटर था मथुरा। अब गुप्ता काल के दौरान बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट स्पेसिमेंस हैं, जिसमें पहली आती है आपकी अजंता की पेंटिंग। अब देखते हैं कि अजंता की पेंटिंग का टाइम फ्रेम क्या था। अजंता की पेंटिंग का आपका टाइम फ्रेम है 1st सेंचुरी AD से लेकर 7th सेंचुरी AD के दौरान। पर जो मेजॉरिटी ऑफ अजंता पेंटिंग है ये बिलोंग करती है आपकी गुप्ता टाइम को, गुप्ता एज को। अब इस पेंटिंग की खासियत यह है कि इसके अंदर काफ़ी सारे वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ हुआ है। साथ ही साथ जो इन पेंटिंग्स की मेजर थीम है वो है आपकी जो डिसिप करेगी गौतम बुद्धा की लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनको, और जो प्रीवियस बुद्धास थे उनके बारे में भी इन केव्स के अंदर काफ़ी सारी पेंटिंग है। अब कोई भी हमें मेजर ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता, कहीं से ऐसी नॉलेज नहीं मिलती जिससे हम पूरी पुख्ता तरीके से कह सकें कि इन पेंटिंग्स की जो पैट्रोनेज थी वो गुप्ता द्वारा प्रोवाइड करी गई थी। पर हम ये चीज़ चोटी के साथ कह सकते हैं कि गुप्ता काल के दौरान इन मेजॉरिटी पेंटिंग्स को बनाया गया था और इनकी पैट्रोनेज के अंदर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था उस समय के मर्चेंट्स का। अब जो गुप्तास थे वो काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया था ब्राह्मणिज्म रिलीजन को। इस कारणवश गुप्ता एज के दौरान काफ़ी व्यापक स्तर पर आपको इमेजेस मिलेंगी लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा और दूसरे हिंदू गॉड्स की। अब कई जगहों पे जो हिंदू गॉड्स की इमेजेस हैं ये आपकी पैंथियंस ऑफ गॉड्स के तौर पे देखी जा सकती हैं। जब मैं पैंथियंस ऑफ गॉड्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि बीच में एक लीडिंग गॉड होंगे जिनकी इमेज काफ़ी बड़ी होगी, उनके चारों तरफ दूसरे गॉड्स होंगे जो कि माइनर गॉड्स होंगे, और उनकी जो इमेज का साइज़ होगा वो मेजर गॉड की इमेज के साइज़ से छोटा होगा।
ये चीज़ साफ तौर पे एग्जिबिट करती है कि गॉड्स के बीच में भी एक हायरार्की थी, यानी कि एक मेजर गॉड है, उनके नीचे काफ़ी सारे माइनर और छोटे गॉड्स हैं। अब गुप्ता पीरियड की बात करें तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से गुप्ता पीरियड काफ़ी पुअर था। उससे पहले देख लेते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ मेजर गॉड को बीच में अंदर दिखाया गया है, उसके चारों तरफ दूसरे गॉड्स दिखाए गए हैं जो कि माइनर हैं और उनकी इमेज मेजर गॉड से छोटी हैं साइज के अंदर। अब आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुप्ता पीरियड था वो काफ़ी पुअर था, पर फिर भी गुप्ता पीरियड के दौरान कुछ ब्रिक्स टेम्पल बनाए गए थे। जी, ये ब्रिक के टेम्पल हुआ करते थे। ये अर्लीस्ट टेम्पल्स में से एक हैं जो कि आपकी ब्रिक्स के थ्रू बने हैं। इनमें से मुख्यतः जो टेम्पल थे, आपके मेन टेम्पल हैं, उसके अंदर कवर अप होता है भीतर गांव का टेम्पल जो कि कानपुर के अंदर पड़ता है यूपी में। वहीं दूसरा टेम्पल है बीथरी टेम्पल जो कि पड़ता है आपका गाजीपुर यूपी के अंदर, और अगला है आपका देवगढ़ टेम्पल जो कि पड़ता है झांसी में। आप देख सकते हैं यह है भीतरगांव टेम्पल जो कि आपका कानपुर के अंदर है, वहीं है ये आपका देवगढ़ टेम्पल जो कि आपका झांसी के अंदर है। कितनी आर्किटेक्चरल रिजेम्बलेंस है दोनों के बीच में आप देख सकते हैं, और कितना रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, कोई आर्किटेक्चरल बहुत ही अचीवमेंट वाला काम नहीं किया गया है, ये भी आज इमेज के अंदर साफ तौर पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा अचीवमेंट था बुद्धिज्म के संदर्भ में गुप्ता काल के दौरान, वो था कि गुप्ताज ने नालंदा यूनिवर्सिटी को सेटअप किया था। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है आगे चल के बहुत ही बड़ी बुद्धिस्ट लर्निंग की सीट बनेगी, और यहाँ बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए लोग बाग दूर दूर से आएंगे। इस नालंदा यूनिवर्सिटी को सेटअप किया था आपके गुप्ता राजा कुमार गुप्त वन ने। अब देखते हैं कि क्या लिटरेचर की कंडीशन थी आपकी गुप्ता एज के दौरान। अब गुप्ता काल के दौरान काफ़ी सारी सेकुलर लिटरेचर्स लिखी गई थी। अब उसमें से एक बहुत ही मशहूर प्ले राइटर थे जिनका नाम था भाषा। भाषा द्वारा उस दौरान 13 नाटक लिखे गए थे, 13 प्ले लिखे गए थे। एक और मशहूर आपके प्ले राइटर हैं, उनका नाम है शूद्रका। शूद्रका द्वारा लिखी गई थी बहुत ही मशहूर प्ले जिसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है लिटिल क्ले कार्ट। जो मृच्छकटिकम की कहानी है वो बेस है लव अफेयर के ऊपर, जो कि लव अफेयर था एक पुअर ब्राह्मण और एक कोटेशन की डॉटर के बीच में। मृच्छकटिकम को आपके एंशंट इंडिया का सबसे बेस्ट ड्रामा वर्क में से एक के तौर पे गिना जाता है। वहीं जो हमारे दूसरे ड्रामा प्ले राइटर हैं उनका नाम है कालिदास, जो कि गुप्ता एज से बिलोंग करते हैं। जो कालिदास थे उनके द्वारा बहुत ही मशहूर एक प्ले लिखा गया था जिसका नाम है अभिज्ञानम शकुंतलम। अभिज्ञानम शकुंतलम को दुनिया के जो मशहूर 100 लिटरेरी वर्क हैं उनमें से एक में उनका शुमार होता है, एक में उनकी गिनती होती है। जो अभिज्ञानम शकुंतलम की स्टोरी है वो बेस है एक लव स्टोरी के ऊपर, जो कि आपकी लव स्टोरी है किंग दुष्यंत और शकुंतला के बीच में। अब जो अभिज्ञानम शकुंतलम है और भगवत गीता है जो कि गुप्ता एज के दौरान लिखी गई दो किताबें हैं, ये कुछ अर्लीस्ट बुक में से एक हैं जिन्हें ट्रांसलेट किया गया है यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर। भगवत गीता का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था वो किया गया था चार्ल्स विल्किंसन द्वारा, जो कि आपके लॉर्ड वैरन हेस्टिंग के टाइम के हैं। अभी शकुंतलम और भगवत गीता दोनों ही संस्कृत में थी ओरिजिनली, और इन्हें ट्रांसलेट किया गया था आपका यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर। अब ये जो जितने भी प्ले नाटक लिखे गए थे आपके गुप्ता काल के दौरान, इनके बारे में दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जितने भी ये नाटक थे सब ये कॉमेडी बेस्ड नाटक थे, कोई भी ट्रेजेडी के ऊपर आधारित नाटक नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन नाटकों के अंदर जो हायर और लोअर क्लास हुआ करती थी वो दोनों एक भाषा नहीं बोला करती थी। वुमन और शूद्रास को तो उसके अंदर प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया गया था, वहीं हायर क्लास को दिखाया गया था संस्कृत भाषा बोलते हुए। अब गुप्ता काल के दौरान काफ़ी सारा रिलीजियस लिटरेचर भी लिखा गया है सेक्युलर लिटरेचर के अलावा। इस रिलीजियस लिटरेचर के अंदर सबसे मेन कवर अप होते हैं आपके दो बहुत ही मशहूर एपिक जो कि हैं आपके महाभारता और रामायणा। महाभारता और रामायणा का कंप्लीट जो कंपाइलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है आपका 4th सेंचुरी AD तक। जो आपकी स्टोरी है रामायणा की वो दो मॉरल मैसेज देती है, दो मॉरल मैसेज प्रोवाइड कराती है हमारी सोसाइटी को। पहला मैसेज ये प्रोवाइड कराएगी कि जो क्या एक आइडियल फैमिली इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जिसके थ्रू वो सोसाइटी को ये मैसेज दे रही है कि कैसे एक सन को अपने फादर के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, एक यंगर ब्रदर को अपने एल्डर ब्रदर को फॉलो करना चाहिए, और कैसे एक वाइफ को टोटली फेथफुल रहना चाहिए अपने हस्बैंड के प्रति। साथ ही साथ रामायणा दूसरा मैसेज ये प्रोवाइड करा रही है कि हमेशा अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होती है, गुड विल प्रिवेल ओवर द ईविल। वहीं रामायणा को काफ़ी सारी इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर लिखा गया है। उसके अलावा रामायणा के काफ़ी सारे वर्जन हैं जो कि हमें मिलते हैं हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर। दूसरा एपिक जो गुप्ता टाइम का है वो है आपका महाभारता।
महाभारत दो ग्रुप यानी कौरव और पांडव्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में बताती है, साथ ही साथ एक मैसेज देती है उस समय की सोसाइटी की। उस समय की सोसाइटी के अंदर जो किंगशिप थी वो किसी भी किंगशिप को नहीं जानती थी, यानी कि जो सत्ता थी राजा बनने की और सत्ता का जो ललक थी वो किसी भी हारी रिश्तेदारी को ताक पर रख के सत्ता की ललक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। दूसरा मैसेज जो हमें महाभारत से मिलता है वो ये मिलता है कि जो अच्छाई है उसकी हमेशा बुराई के ऊपर जीत होगी। अब जो भगवद गीता है ये आपकी जो महाभारत एपिक है इसका पार्ट है। भगवद गीता भी ये मैसेज कैरी करती है कि जो व्यक्ति को जो ड्यूटी और उसकी कास्ट के हिसाब से जो काम असाइन किया गया है उस व्यक्ति को वो काम करना चाहिए बिना किसी फल की इच्छा के, विदाउट एनी डिज़ायर ऑफ रिवॉर्ड। अब गुप्ता काल के दौरान काफ़ी सारे पुराण्स भी लिखे गए। पुराण जो बेसिकली बेस्ड थे वो बेस्ड थे आपके मिथ्स के ऊपर, लेजेंड्स के ऊपर, और उनके अंदर काफ़ी सारे सेरमन्स भी लिखे गए थे। अब गुप्ता काल के दौरान काफ़ी सारी स्मृतिज भी लिखी गई थी। स्मृतिज को कहते हैं लॉ बुक। ये जो लॉ बुक लिखी गई थी ये बेसिकली इनका जो सब्जेक्ट हुआ करता था वो होता था कि क्या होने चाहिए नॉर्म्स आपके सोशल और रिलीजियस ऑर्डर के, और सोसाइटी को इन सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स को फॉलो करना था एक आइडियल सोसाइटी बनने के लिए। अब गुप्ता काल के दौरान काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था संस्कृत ग्रामर के संदर्भ में भी, यानी कि संस्कृत ग्रामर के फील्ड में भी। ये संस्कृत ग्रामर बेस थी आपके पनानी और पतंजलि द्वारा जो संस्कृत वर्क था उसके ऊपर। अब गुप्ता एज के दौरान ही चंद्रगुप्त टू के नवरत्न में से एक थे आपके अमरसिम्हा। अमरसिम्हा लेक्सिकोग्राफर थे यानी कि डिक्शनरी राइटर थे। इन्होंने एक बहुत ही मशहूर अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था अमरकोश, जो कि संस्कृत वर्ड्स की पूरी डिक्शनरी थी। उस समय के स्टूडेंट्स को इस पूरी डिक्शनरी को बिल्कुल कंठस्थ यानी कि पूरी तरीके से याद करना होता था। इन सब चीज़ों के थ्रू जो हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग एक चीज़ का तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो गुप्ता एरा था वो क्लासिकल लिटरेचर का बहुत ही ब्राइट फेस था। और जो हमारा गुप्ता कोट था उसकी जो कोट लैंग्वेज हुआ करती थी वो लैंग्वेज हुआ करती थी संस्कृत। अब हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर क्या अचीवमेंट अटेन किए थे हमारे गुप्ता एज के दौरान। अब मैथमेटिक्स के फील्ड के अंदर बहुत ही मशहूर किताब लिखी गई है आर्यभट्ट द्वारा, जो कि थी आपकी आर्यभटिया। उस समय के जो मैथमेटिशियन हुआ करते थे उन्हें जो विभिन्न तरीके की कैलकुलेशन होती थी उनके ऊपर काफ़ी महारत हासिल थी। वहीं एक गुप्ता टाइम का एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है आपका 448 AD के अंदर। ये इंस्क्रिप्शन आपका अलाहाबाद के अंदर पाया गया है, जो कि ये बताता है कि 5th सेंचुरी AD की शुरुआत से ही इंडिया को नॉलेज थी डेसिमल सिस्टम के बारे में। वहीं एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी गई है जिसका नाम है रोमका सिद्धांता। रोमका सिद्धांता जो किताब है एस्ट्रोनॉमी की ये बेस थी आपकी ग्रीक आइडियाज़ के ऊपर, जैसे कि नाम ही आपको बताता है रोमका यानी कि रोमन यानी कि ग्रीक सिद्धांता। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाना था कि वारामहिर ने किस तरीके से एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के अंदर कुछ अपनी किताबें लिखी थी जिसमें से एक मुख्य है आपकी पंच सिद्धांतिका। अब जो गुप्ता के काल के जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे उन्होंने काफ़ी हद तक मास्टरी हासिल कर ली थी आपकी मेटल वर्क के ऊपर। जब मैं मेटल वर्क की बात कर रहा हूँ तो ये है आपका आयरन और ब्रॉन्ज का मेटल वर्क। ब्रॉन्ज के मेटल वर्क का हम एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने 2 मीटर हाई बुद्धा की ब्रॉन्ज इमेज बनाई थी जो कि पाई गई है सुल्तानगंज भागलपुर बिहार से। उसके अलावा हम आयरन वर्क की बात करते हैं तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका मेहरौली का आयरन पिलर। ये मेहरौली का आयरन पिलर आज भी 15 सेंचुरी बीतने के बावजूद भी इस पर कोई भी रस नहीं लगी है, जो कि यह बताता है कि किस तरीके से उस समय के जो क्राफ्टमैन हुआ करते थे उन्हें मेटलर्जी और केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी व्यापक और अच्छी नॉलेज थी। पर यह बहुत ही खेद की बात है कि बाद के जो क्राफ्ट्समैन होते हैं वो इस पर्टिकुलर नॉलेज को आगे फर्दर और रिफाइन और डेवलप नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है और हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस।